सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे बनाने वाला हूँ और अभी आपने देखा होगा कि एफजी वर्जन 3 का मैंने रिव्यू करा। तो रिव्यू करने के बाद और आपको ये भी पता है कि एफजी वर्जन 2 भी है मेरे पास और नहीं पता तो शायद आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात ये करते हैं कि ऑनेस्ट ओपिनियंस में देना चाह रहा था तो मैंने सोचा कि एफजी वर्जन 3 की एक ऑनेस्ट ओपिनियंस की वीडियो बनाई जाए जिसमें लोग ना मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आप अगर मैं आपको चॉइस देता इस गाड़ी में तो आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या रहती। तो चलिए आज ऑनेस्ट ओपिनियंस की ही बात करते हैं इस वीडियो में और पता लगाते हैं कि क्या मेरी ओपिनियंस आपकी ओपिनियन से मैच करती हैं और आपको पसंद आई एफजी वर्जन 3 या नहीं, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब लुक्स में अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, देखिए मेरे पास अभी कोई स्पेसिफिकेशन पेपर नहीं है या कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको देखकर बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट बात करने वाला हूँ कि मुझे लगा क्या गाड़ी चलाकर। और एफजी वर्जन 2 भी खड़ी है मेरे पास तो आपको मालूम है कि मैं एफजी के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ आपको। तो अब लुक्स अगर मैं देखता हूँ तो लुक्स तो काफ़ी ज़्यादा बल्की कर दी है, यानी कि अगर आप लुक्स देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा 150 cc की गाड़ी है, लगेगा कि हाँ 250-300 cc की गाड़ी है, इंजन बहुत पावरफुल है। टायर्स देखेंगे तो हाँ ऐसा लगेगा कि अरे 1000 cc की बाइक है, लेकिन नहीं, टायर्स 140 सेक्शन के आपको मिल जाते हैं। तो लुक्स के मामले में आपको गाड़ी अच्छी मिलती है। फ्रंट LED हेडलैम्प कर दिया है कंपनी ने। अब LED हेडलैम्प और हेलोजन हेडलैम्प में ना फर्क मुझे ये लगा कि हेलोजन हेडलैम्प का इल्यूमिनेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, वहीं LED हेडलैम्प का इल्यूमिनेशन थोड़ा सा कम रहता है। जैसे कि FZ25 में आपने प्रॉब्लम सुनी होगी कि इनके FZ25 के LED हेडलैम्प का नाइट थ्रो उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें FZ वर्जन 2 का लाइट थ्रो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है हेलोजन हेडलैम्प का, और वहीं LED हेडलैम्प कुछ खास नहीं लगा मुझे। और ऑनेस्ट ओपिनियन में अब लुक्स अगर देखता हूँ तो लुक्स काफ़ी अच्छे करती हैं कंपनी ने। बिल्ड क्वालिटी पर फ़र्क आया है थोड़ा सा, जो स्विच गियर था वो चेंज करके कंपनी ने अच्छा स्विच गियर FZ25 का लगाया है, तो फिट एंड फिनिश वहाँ थोड़ा अच्छा दिखता है, कलर क्वालिटी स्विच क्वालिटी जो है वो अच्छी दिखती है, तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे। अब मेन जो बुरी खबर लगती है मुझे FZ में, जो बुरी बात लगी वो ये है कि वर्जन 2 आया, वर्जन 3 आ गया, वर्जन 3 में भी इंजन में कोई चेंज करा ही नहीं, कोई भी चेंज नहीं करा। कंपनी बोलती है कि रिफाइनमेंट लेवल्स हमने उठा दिए हैं, लेकिन जब मैंने राइड करी तो मुझे पता चल गया कि कुछ खास फ़र्क नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आया, कि आप उसको नोटिस नहीं कर पाओगे। अब कंपनी ये कहती है कि एक्सेलरेशन इम्प्रूव करा है हमने गाड़ी का ECU में रीमैप कर, ECU में नया फ्यूल मैप डाला है। ECU इनका वो रहता है जो इंजन कंट्रोल करता है, जो स्पार्क्स कंट्रोल करता है, तो उसमें हमने रीमैप करा है और उससे एक्सेलरेशन गाड़ी का इम्प्रूव हुआ है। अगर आप ये कहते हो कि हमने एक्सेलरेशन इम्प्रूव करा है तो आपने 5 किलो गाड़ी का वेट भी तो बढ़ा दिया, 133 kg से 137 या 138 kg हो गया गाड़ी का, तो वेट जो 5 किलो बढ़ा और जो आपने एक्सेलरेशन इम्प्रूव करा, बात तो बराबर हो गई। तो इसलिए वेट बढ़ने से और एक्सेलरेशन इम्प्रूव करना वो बात कॉम्पनसेट बिल्कुल बराबर हो गया, कट गई दोनों चीज़ें। तो इसलिए इंजन जो है मज़ा नहीं आया मुझे तो ओवरऑल इंजन, क्योंकि आपका लीस्ट पावरफुल इंजन था। अब अगर आप वर्जन 3 निकाल ही रहे थे, मैं यहाँ से बोलता हूँ ये बात, अगर आप वर्जन 3 निकाल रहे थे तो आप उसमें इंजन में भी चेंज कर देते। अब आप ये बोलते हो अभी कि मैंने वर्जन 3 तो लॉन्च कर दिया, लेकिन अब 2020 में वर्जन 3 में ही इंजन अपग्रेड होगा, तो क्यों खरीदेगा कोई? अभी वर्जन 3 खरीद ले और फिर अगले साल फिर आप इंजन अपग्रेड करके दे दो तो उसमें क्यों खरीदेगा इंसान? अपना पैसा एक एक साल की मतलब ड्यूरेशन में बाइक थोड़ी लेगा कि एक साल ये बाइक चलाई फिर अगले साल बदल ली, ऐसा थोड़ी होता। तो इसलिए इंजन में कोई अपग्रेड नहीं आया, ये पसंद नहीं आया। लीस्ट पावरफुल इंजन है इस सेगमेंट का, यानी कि 13 bhp और 12 Nm टॉर्क, इतनी पावर हर एक 150 cc में, इससे ज़्यादा ही पावर आपको मिलती है। चाहे आप RTR से कंपेयर कर लें या कुछ भी कर लें, तो आपको पावर FZ से हर गाड़ी में आपको ज़्यादा मिलती है। भले ही पावर टू वेट रेशो इसका अच्छा है, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि पावर बहुत ही कम है, कि बिल्कुल 100 cc की बाइक ले ली, ऐसा नहीं होगा, लेकिन पावर कंपेयर करने पर तो कम ही है। पावर टू वेट रेशो अच्छा है, एक्सेलरेशन गाड़ी का अच्छा है, बुरा नहीं कहूँगा। ABS कंपनी ने तो दे दिया, ABS दिया तो मुझे ऐसा लगा कि फ्रंट ब्रेक की इनिशियल बाइट खत्म हो गई, थोड़ा स्पॉन्जी ब्रेक हो गया, यानी कि आप दबा रहे हैं, देर में रिस्पॉन्स आ रहा है, आराम आराम से ऐसे काम चल रहा था। लेकिन और रेयर ब्रेक देखा तो रेयर ब्रेक भी अगर मैं जिक्सर से कंपेयर करता हूँ तो रेयर ब्रेक में तो पावर ही नहीं है, ऐसा समझ लो आप। वर्जन 2 वाला रेयर ब्रेक वर्जन 3 में उठा के दिया है, तो रेयर ब्रेक मैंने दबाया तो बिल्कुल मतलब आप पूरा कस के आप पैर रख के उस पर, जैसे फुटरेस्ट पर पैर रखते हैं वैसे ब्रेक पेडल पर आप पैर रख दोगे तब जाके ब्रेक जो है कस के लगेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग मज़ा नहीं आया ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेक में हाँ, फ्रंट ब्रेक ऐसा था कि ABS में कितना ही उसको दबा दूँ तो ABS कंट्रोल कर लेगा मेरा जो पैनिक ब्रेकिंग में कर रहा हूँ, तो गाड़ी स्किड नहीं होगी, वो अच्छी बात है। लेकिन रियर डिस्क का कुछ ऐसा खास फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि उसमें इनिशियल बाइट नहीं थी, ब्रेक को आपको कस के दबाना पड़ेगा रियर डिस्क पेडल को। हैंडलिंग में जो कंपनी ने इंप्रूव करा है वो मुझे बड़ा पसंद आया,
थोड़ा सा वो यूनिकॉर्न टाइप वाली फीलिंग आ गई थी मुझे कि जैसे होंडा यूनिकॉर्न आप चलाते हैं बिल्कुल कम्यूटर बाइक, थोड़ा हैंडल ऊंचा हो जाता है, तो हैंडल इन्होंने ऊंचा कर दिया लेकिन वो वाला शेप नहीं आया है हैंडल का, जो ऐसा शेप आता है जो कुछ ज़्यादा ही कम्यूटर लगती है जैसे कि शाइन और यूनिकॉर्न में आता है, वैसा शेप नहीं है। हैंडल बार पोजीशन थोड़ी सी रेज कर दी है, ऊंची कर दी है, जिससे रिलैक्स राइडिंग पोस्चर मिलता है। तो पहले लोगों को FZ इसलिए पसंद थी कि उसमें ना थोड़ा झुक के यूँ चलाते थे स्पोर्टी तरीके से और कंफर्ट भी अच्छा था, तो इसलिए पसंद थी। लेकिन अब थोड़ा झुकके वाला पोस्चर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि लीन्ड पोस्चर नहीं मिलेगा, थोड़ा अपराइट पोस्चर होकर दिया है कंपनी ने, जिससे कि कंफर्ट लेवल तो अच्छी हो गई है। कंफर्ट वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इंजन की जो चीज़ थी वो मुझे बुरी लगी, कंफर्ट लेवल कंपनी ने अच्छी कर दी है। हाँ, सीट की बात कही जाए तो सीट का मतलब एहसान मानना पड़ेगा यामा का कि इन्होंने पिलियन कंफर्ट पर ध्यान दे दिया, क्योंकि यामा की कोई भी गाड़ी पिलियन कंफर्ट पर ध्यान नहीं देती, तो यामा में अब इन्होंने पिलियन कंफर्ट पर ध्यान दिया है, सिंगल सीट सेटअप मिल गया है और कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, सीट को वाइड कर दिया है, जिससे कंफर्ट लेवल्स तो ओवरऑल बेहतरीन हो गई हैं FZ वर्जन 3 की। तो अगली चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद आई वो था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि अगर आप पुरानी FZ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो स्क्रीन व्रीन तो ऐसे दिए जैसे कि बहुत फीचर्स होंगे, लेकिन फीचर्स उसमें कुछ है नहीं। ट्रिप मीटर भी एक ही दिया था FZ वर्जन 2 में, जो कि कंजूसी करी थी, लेकिन अब ट्रिप मीटर 2 दे दिए हैं, 3 दे दिए हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और फ्यूल ट्रिप मिलती है आपको, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको ट्रिप मीटर इसमें अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें ABS लाइट मिल जाती है, इंजन ट्रबल शूट लाइट मिल जाती है, ABS लाइट इंक्लूड हो गई है, इंजन ट्रबल शूट लाइट पहले से आती थी और अब रियल टाइम क्लॉक भी मिल जाती है। तो फीचर्स, बेसिक फीचर्स पहले मतलब ट्रिप मीटर में भी कंजूसी करी, लेकिन अब अच्छे फीचर्स दे दिए, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे इसका पसंद आया। लुक्स में एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बड़ी अटपटी लगी, वो ये थी कि रेयर मोनोशॉक ना पहले रेड कलर का आता था FZ में, जो थोड़ा सा स्पोर्टी और अच्छा लुक देता था, लेकिन अब इन्होंने ब्लैक कलर का कर दिया तो बड़ा सिंपल सोबर सा लग रहा है, तो अगर रेड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। कलर स्कीम्स अगर आप देखते हैं तो इसमें 3 ही कलर स्कीम्स मिलती हैं, कलर स्कीम्स में वैरायटी होनी चाहिए। FZ SFI में 3 मिलती हैं और FZ FI में आपको 2 कलर्स मिलते हैं, तो कलर स्कीम्स में कंपनी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और इंजन काउल जो है, अगर मैं देखता हूँ तो इंजन काउल जो FZ SFI में मिलता है आपको इसके टॉप वेरिएंट में, वो मुझे उतना खास लगा नहीं। मतलब ब्लैक कलर का इंजन काउल, मतलब ऐसा होता है ना कि नाम के लिए दे दिया इंजन काउल, वो लगा, तो इसलिए इंजन काउल में कुछ ऐसा खास मज़ा नहीं आया। जैसे कि अगर आप RTR हाइपर एज का इंजन काउल देखते हैं तो वो अच्छे लगता है, थोड़ा स्लीक एंड स्टाइलिश, लेकिन इसमें तो मज़ा नहीं आया। अच्छा, एग्जॉस्ट देखकर मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी का साउंड इंप्रूव हो गया होगा एग्जॉस्ट, क्योंकि FZ25 जैसा दे दिया है इन्होंने, थोड़ा सा बल्कि एग्जॉस्ट दे दिया है, तो मिड शिप मफलर जिसको ये कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि बेस वेस आएगा, थोड़ा अच्छा साउंड होगा। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि हो सकता है अभी नहीं आ रहा, चलाने के बाद आए। जब मैंने चलाई और फुल रेस करी तब भी साउंड तो वैसा का वैसा ही है, तो थोड़ा बेसी साउंड कंपनी को इसमें कर देना चाहिए था। कॉर्नरिंग तो सबको पता ही है, FZ की लोग FZ पसंद ही इसलिए करते थे क्योंकि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, कि अगर आप स्टॉप करेंगे तो आगे वाला जो सस्पेंशन है वो रोड एंडुलेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सस्पेंशन सेटअप अच्छे थे और जो सस्पेंशन थे वो सॉफ्ट हैं, तो हैंडलिंग तो FZ की सबको मालूम है, कॉर्नरिंग भी सबको मालूम है, 140 सेक्शन टायर मिलता है, फ्रंट 100 सेक्शन टायर मिलता है, कॉर्नरिंग जो है बहुत बेहतरीन है, यानी कि 200cc की NS 200 से ज़्यादा मोटा टायर तो FZ में मिलता है आपको 150cc की बाइक में, तो कॉर्नरिंग में आपको नर्वस फील नहीं होगा। हाँ, इंजन पे एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, वो ये थी कि वर्जन 2 जब मैं अपनी हाईवे पे राइड करता था पिलियन के साथ, तो गाड़ी जो है वो 100 प्लस स्पीड्स के ऊपर स्ट्रगल करती थी, तो वही अब वर्जन 3 में भी आपको फेस करनी पड़ेगी क्योंकि इंजन में चेंज नहीं आया। तो बस यही थी एक ऑनेस्ट ओपिनियन, बाकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन लुक्स में चेंज करा, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करे और इंजन में चेंज नहीं करा, वो थोड़ी एक बुरी बात लगी। बस तो दोस्तों यही थी एक ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना अगर जल्दी रिप्लाई चाहिए हो तो इंस्टाग्राम ID का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।